हमारे देश से पैसा कमा के हमारी ही फौजियों के खिलाफ उसे इस्तेमाल करता है। चाइना, अब तेरा काल आ गया है। अम्मा, ए अम्मा, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सो और क्या चल रहा है भाई लोग, कैसे चलो तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, आज हम सब लोग को मिलके चाइना को शॉट लगानी है, शॉट लगानी है। तो भाई साहब देखो, हम लोग को अभी पता चल रहा है कि चाइना वाले मिलके हम सबको पागल बना रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदी टोटके चैनल वालों को पहले ही पता चल गया था। आओ देखते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो देख ले उसकी आंखें, सारी बातें आप समझ जाएंगे। जिस व्यक्ति की आंखें छोटी होती हैं और वह बात करते समय आंख मूंद लेता हो, तब उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति मन के साफ नहीं होते हैं और सिर्फ किसी भी तरीके से अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसे लोग दिखावा खूब करते हैं। भाई साहब देखो, अभी तक मैं टोटके पोटके पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब करना पड़ेगा यार। सही बोल रहा है ये बंदा। सालो चीनी, तुम लोग की पूरी आंख तो खुलती नहीं है और तुम लोग भारत पे हमला करोगे हैं? साले यहीं से सुई फेंक के मारूंगा, सारी चाइना की आंख फूट जाएगी। अबे तुमसे बड़ी आंख तो हमारे यहाँ चीटों की होती है, ध्यान से देखो तो चीटे की आंख दिख जाएगी, लेकिन तुम लोग की किसी कीमत पे भी नहीं। ना 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 ना। भाई साहब इन लोगों को प्रोडक्ट की कॉपी करने की इतनी जल्दी होती है कि ये लोग अपनी पूरी आंख भी नहीं खोलते, और काम करने के बाद चमगादड़ अलग से ठूस लेते हैं, उसके बाद दुनिया भर में कोरोना फैलाते हैं। साले सारी बातें आप समझ जाएंगे। साले तुम लोगों को चमगादड़ यानी बैट खाने का बहुत शौक है ना, कभी आओ हवेली पे, साले तुम लोग को बैट बॉल स्टंप सब खिलाऊंगा। साले कुछ भी खाते हैं। जिंदगी बर्बाद करके रखा है साला, बाहर निकलने को नहीं हो रहा यार, दिमाग खराब हो गया है। और जो तुम लोगों ने इतनी आबादी बढ़ा रखी है ना साला, तुम लोगों को अपने बच्चों का नाम रखने को नहीं मिलता। जैसे एक आदमी 7 बच्चे पैदा कर लेगा और बोलेगा बेटा तेरा नाम टिंग, तेरा नाम पिंग, तेरा नाम सिंह। उसी में गरबा चालू कर देते हैं। सालो तुम लोगों की वजह से बैटमैन ने एप्लीकेशन लिखा है टू द प्रिंसिपल, मुझे नहीं रहना बैटमैन, मुझे कॉपरमैन बना दो, लेकिन बैटमैन नहीं रहना है मुझे भाई, नहीं रहना है। सो गाइस, जो सामान चाइना से मंगा लिया है उसे तोड़ना मत, लेकिन अगर चाइना की मारने को मिले तो छोड़ना मत। डिलीट कर दो अपने मोबाइल से सारे चाइनीज ऐप, और अली बाबा से एक चड्डी तक मत मंगाना। कान में एयरफोन लगाना तो हिंदुस्तानी लगाना, और उसमें सिर्फ देशभक्ति गाना बजाना, क्योंकि बॉलीवुड भी आजकल बहुत हरामी हो गया है। कोई आउटसाइडर आके अपना टैलेंट दिखाए तो उनसे देखा नहीं जाता, कोई मेहनत करके कमाए तो उसका छीन लेते हैं निवाला, और सोचते हैं मैं ही हूँ बॉलीवुड का रखवाला, अजी कद्दू मेरा। पैसों की ताकत दिखा के लोग मीडिया तक को खरीद लेते हैं, और ये टीवी पे आने वाले मीडिया यूं चुटकियों में बिक जाते हैं। किसी फौजी का अपमान हो तो ये लोग एक बार नहीं दिखाते, और अगर कैटरीना कैफ झाड़ू लगा रही है तो उसे दिन भर चलाते हैं। जिसमें टैलेंट नहीं होता उसे आसमान तक पहुंचाते हैं, और जो टैलेंट से भरपूर होता है उसे भी आसमान तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके पहले ये लोग अपनी साजिश चलाते हैं, इंडस्ट्री में उसे अकेला महसूस करवाते हैं, उसके चारों तरफ फील्डिंग लगवाते हैं और उसे डिप्रेशन में डलवाते हैं। बहुत हो गया तुम लोग का, हाँ बहुत हो गया, पब्लिक अब जाग चुकी है। अब आपको पता चल गया होगा कि किसकी पिक्चर देखनी और किसकी पिक्चर नहीं देखनी, और चाइना का तो एक भी सामान इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और मन में कुछ कमेंट लिख दो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चों। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है।